ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो है एक डिवाइस है जिसे यूज़ किया जाता है स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए वोल्टेज को। इसे हम लोग यूज़ करते हैं वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए और स्टेप डाउन करने के लिए। इसका प्रिंसिपल क्या है जिसके ऊपर ये काम करता है? इसका जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल इंडक्शन होती है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसमें जो है म्यूचुअल इंडक्शन होती है, ये इसका प्रिंसिपल है जिसके तौर पर जो है ट्रांसफार्मर काम करता है। बेसिकली हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है ये एक आयरन का कोर होता है, आयरन का एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर लेमिनेटेड शीट लगी होती है। ये जो ये शीट्स है ना ये लेमिनेटेड की होती हैं और ये पूरा एक मटेरियल बनाया जाता है जिसे हम आयरन का कोर कहते हैं। ये रेक्टेंगल शेप का होता है और इसके ऊपर क्या होता है इसकी दो साइड्स होती हैं। एक साइड के ऊपर हम लोग प्राइमरी कॉइल को लपेट देते हैं और जो दूसरी साइड होती है उसके ऊपर सेकेंडरी कॉइल को लपेट देते हैं। जो प्राइमरी कॉइल होती है उसके साथ हम लोग एसी सोर्स लगा देते हैं, यहाँ पे हमारे पास सोर्स लगा होता है जिसे हम लोग एसी कहते हैं। ट्रांसफार्मर बेसिकली काम क्या करता है, इसने स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है हमारे वोल्टेज को। वोल्टेज कौन सा, जो ये एसी सोर्स से लेता है। यहाँ पे डीसी सोर्स हम लोग ट्रांसफार्मर में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, ट्रांसफार्मर में हमें जो सोर्स यूज़ करना पड़ता है वो एसी सोर्स होता है और एसी सोर्स की वजह से ये दोनों कॉइल्स के दरमियान जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के काम को देखेंगे कि किस तरीके से ये स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है हमारे वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर को हम बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम लोग ट्रांसफार्मर को डिजिटल कैमरास वगैरह में, लैपटॉप्स वगैरह में और मोबाइल के चार्जर्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसे वोल्टेज स्टेबलाइजर में भी यूज़ किया जाता है। डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ करने वाले ट्रांसफार्मर की जो शेप है वो डिफरेंट होती है। ये नहीं होता कि जो ट्रांसफार्मर हम लोगों ने यहाँ पे देखा है यहाँ इसी तरीके का ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाए, बल्कि ये जो सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन है ना कि इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जबकि इसको यूज़ डिफरेंट तरीके से किया जाता है। बाद जैसे कि लैपटॉप एक छोटा सा डिवाइस है, चार्जर उससे भी छोटा सा डिवाइस है, तो इनके साइज़ के अकॉर्डिंग इनमें ट्रांसफार्मर को सेट किया जाता है। होता क्या है कि जो प्राइमरी कॉइल है इसके ऊपर जो हम लोग कॉइल लपेटते हैं वो कॉपर की थिक वायर होती है और सेकेंडरी कॉइल के ये जो सेकेंडरी है, ये जो सेकेंडरी कॉइल हम लोगों ने इस वाले टर्मिनल पे लपेटी होती है वो ज़रा थिन वायर होती है और प्राइमरी कॉइल के साथ ही हम लोग हमेशा इसी सोर्स को अप्लाई कर देते हैं और इस जगह जो सेकेंडरी वायर है यहाँ पर वो चीज़ लगा देते हैं जिसे हम लोगों ने वोल्टेज को प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर को यूज़ कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर की जो टाइप है इसकी दो टाइप्स हैं, ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक जिसे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं और दूसरी जिसे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी प्राइमरी कॉइल है इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा होते हैं, और जो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसके अंदर ये होता है कि इसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो लेस देन होते हैं सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से। इसे हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज़ करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज होता है जो कि हमें मालूम है कि हमने प्राइमरी कॉइल के साथ यहाँ पे अपना एसी सोर्स कनेक्टेड किया होता है इस तरीके से, तो जो हम लोग जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसे यूज़ करते हैं ताकि इनपुट वोल्टेज जो हमें प्राइमरी कॉइल से हासिल हो रहा है उसे हम लोग क्या कर सकें, उसे हम डिक्रीज़ कर सकें। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने इनपुट वोल्टेज को जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। इनपुट वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज़ करने के लिए स्टेप अप वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था कि हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल होती थी, इस तरीके की एक सोलेनाइड कॉइल होती थी जिसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से लपेटे होते थे और इसे हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक सोर्स के साथ कनेक्टेड कर दिया होता था और क्या होता था कि साथ एक कॉइल रखी होती थी और उस कॉइल को हम लोगों ने गैल्वेनोमेटिक के साथ कनेक्टेड कर दिया होता था। चूँकि अब ये कंडक्टर के ऊपर हमारी सोलेनाइड कॉइल जो है लपेटी हुई है तो जैसे ही करंट इसके थ्रू पास करना शुरू करता है तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, जिस तरीके से हमारी प्राइमरी कॉइल क्योंकि इसके साथ जो है इसी सोर्स कनेक्टेड है तो जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो ये वाली साइड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी और जैसे ही इसके अंदर चेंज इन फ्लक्स होगा तो ये जो चेंज इन फ्लक्स है ये साथ रखी हुई सेकेंडरी कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो है वो फ्लक्स की तब्दीली जो है लाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। करंट की इंडिकेशन यहाँ पर तो हमें गैल्वेनोमीटर से पता चल जाती थी लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने साथ में अपेरेटस सेट किया होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ से हमें म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है और इस कॉइल के थ्रू जो है इस कॉइल
कॉइल के अंदर भी इंडक्शन होना शुरू हो गया। इंडक्शन का मतलब है कि किसी एक कॉइल में फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से किसी दूसरी कॉइल के अंदर जो है करंट का इंड्यूस हो जाना, करंट या वोल्टेज का इंड्यूस हो जाना। यहाँ पर क्या होता है कि इस कॉइल के अंदर जो है फ्लक्स की तब्दीली ने साथ रखी हुई कॉइल के अंदर एक एफ्साई यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड कर दिया है। साथ रखी हुई कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, जिसकी वजह से इन दोनों कॉइल्स में क्या होता है कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से प्राइमरी कॉइल के अंदर जो है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों के अंदर यहाँ पर होती है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास एम प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्टर है, जिसकी वजह से ये वाली साइड जो है म्यूचुअल इंडक्टर बन जाती है। जबकि इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जिसकी वजह से फ्लक्स इसके अंदर जो है फ्लक्स की तब्दीली ने साथ रखी हुई कॉइल के अंदर जो है एक ईएमएफ प्रोड्यूस की है ना, लेकिन चेंजिंग तो इसकी अपने अंदर भी हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस हो रही है और यहाँ पे जो है सेल्फ इंडक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब प्राइमरी कॉइल की अपने अंदर सेल्फ इंडक्टेंस होती है और प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों के अंदर प्राइमरी कॉइल की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होती है। तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, हमारे पास एक ईएमएफ आ जाती है। एक ईएमएफ जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से होती है, और यहाँ पर जो ईएमएफ है वो तो एक हमने सोर्स की वजह से, लेकिन एक और ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो जाती है अकॉर्डिंग टू लेंजेस और फैराडे लॉ, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये इंडक्टेंस की वजह से ईएमएफ आई है। तो यहाँ पे एफ्साई एल प्रोड्यूस हो जाती है और यहाँ पे एफ्साई एम प्रोड्यूस हो जाती है। अब क्या होता है कि अगर मैं इस कॉइल की बात करूँ तो क्या होता है कि दोनों कॉइल्स के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो चुकी है। अगर सिर्फ हम लोग बात करें कि प्राइमरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ और फैराडे लॉ से हमें ये कहा था कि ये किसकी इक्वल होती है, माइनस एन टाइम डेल्टा फ्लक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली ने ही साथ रखी हुई कॉइल के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर दी है। तो सेकेंडरी कॉइल की जो है EMF उसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे NP डाल देंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होने वाली EMF की बात हो रही है। सिमिलरली जब हम सेकेंडरी कॉइल की बात करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में भी प्राइमरी कॉइल की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो है हमारे पास एक EMF प्रोड्यूस होती है। इस EMF को हम लोग एप्साई एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पर माइनस एन टाइम्स एस इंटू डेल्टा फ्लक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिल जाती है। हमें पता चल जाता है कि इन दोनों कॉइल्स के अंदर जो है प्राइमरी कॉइल को इसी सोर्स के साथ कनेक्टेड करने की वजह से यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होती है और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक एप्साई ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है क्योंकि इस कॉइल में ये जो फ्लक्स की तब्दीली है वो साथ रखी हुई कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर देती है। जबकि प्राइमरी कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये एक सेल्फ इंडक्टेंस के तौर पर काम कर रहा होता है, तो इसके अंदर भी एक ईएमएफ आ जाती है और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से साथ रखी हुई कॉइल के अंदर भी एक ईएमएफ आ जाती है। अब अगर हम ये करें कि इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या होगा, इसे इससे डिवाइड कर देते हैं और इस पूरी की पूरी साइड को इस पूरी की पूरी साइड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ये तो दोनों में एक ही रेट से तब्दील हो रहा होगा ना, जितने रेट से यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आ रही है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली यहाँ पर आई होगी। तो इन दोनों को हम आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ बच रही है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे एप्साई पी डिवाइडेड बाई एप्साई एस और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल बच जाएंगे। अब इसे एप्साई पी को मैं यूँ भी लिख सकती हूँ कि ये वोल्टेज पी है, इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, और एप्साई एस को मैं यूँ लिख सकती हूँ कि वोल्टेज एस है। अब क्या होगा कि अब मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया है वी पी और वी एस इज इक्वल्स टू एन पी डिवाइडेड बाई एन एस। इस पूरी की पूरी इक्वेशन का फायदा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ और लेंजेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने इन दोनों कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई थी उसको निकाल के हम लोगों ने एक रेशो बना ली। इस रेशो का एडवांटेज हमें ये होता है कि हमें ये मालूम है कि प्राइमरी कॉइल को जिस सोर्स के साथ हमने कनेक्टेड किया है वो एक एसी सोर्स है। अगर तो हमें प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पता है और हमें ये भी पता है कि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो उसे हम इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। हमें मालूम है कि NP हमें मालूम होगा, NS भी हमें मालूम होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम करना है यहाँ पर NS, यानी यहाँ पे मालूम करना हमें VS, तो VS की जगह हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और हमें VS मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को उल्टा देंगे, हम VS को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये VS इस तरीके से आ जाएगा
और इसके साथ एन पी डिवाइडेड बाई एन एस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें सिर्फ ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इस पूरी की पूरी टर्म का रेसिप्रोकल यहाँ पे चले जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब ऐसे कि ये हमारे पास वी पी इंटू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी, ये वाली चीज़ जो है ये हमें बता देगी कि हमारी सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है। उसके हिसाब से हम हर डिवाइसेस के अंदर जो है ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन कर लेते हैं कि इस चीज़ के इतने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें कितने डिज़ाइन का ट्रांसफार्मर को सेट किया जाना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं, डिजिटल कैमरा होते हैं और चार्जर हैं, ये छोटे छोटे डिवाइसेज हैं, तो इनके अंदर जो हम लोगों को ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना पड़ता है वो भी इन्हीं के हिसाब से छोटा छोटा सा होता है। तो वो हम लोग डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का किस किस्म का वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइज देखे कि हम जिसके अंदर ट्रांसफार्मर सेट कर रहे हैं उसका साइज कितना है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रांसफार्मर से हम लोग वोल्टेज के बारे में बता सकते हैं, हम ट्रांसफार्मर से करंट के बारे में बता सकते हैं, हम ट्रांसफार्मर से पावर के बारे में बता सकते हैं। आपको मालूम है कि जो एसी सोर्स है इसे बेसिकली क्या हो रहा है, इसे प्राइमरी कॉइल को जो है पावर भी ट्रांसफ़र हो रही है और वो पावर जो है सेकेंडरी कॉइल की तरफ भी जा रही है। अब हमें मालूम है कि जो पावर है वो वी इंटू आई वी इंटू आई के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अगर मैं प्राइमरी कॉइल की पावर के बारे में बात करूँ तो वो वी यहाँ पे वी पी और आई पी आ जाएगा, यानी कि प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल का ही करंट। और सिमिलरली अगर मैं सेकेंडरी कॉइल की पावर की बात करूँ तो सेकेंडरी कॉइल में जो पावर है वो वी एस और यहाँ पे हमारे पास आई एस के तौर पर आ जाएगी। मतलब कि पावर का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे कि हम लोग करंट के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। पावर जो है जितनी हमारे पास प्राइमरी कॉइल के अंदर होगी उतनी ही पावर जो है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर है। तो अगर हम इन दोनों को जो है आपस में इक्वेट कर लें तो हमें क्या पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारा वी पी इंटू आई पी इज इक्वल्स टू वी एस इंटू आई एस के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर भी प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज की सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज के साथ रेशियो ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा केस रिवर्स हो जाएगा कि मेरे पास जो करंट आएगा वो सेकेंडरी कॉइल का करंट डिवाइडेड बाई प्राइमरी कॉइल के करंट की रेशियो के फॉर्म में आएगा। तो इससे अगर मुझे सेकेंडरी कॉइल का करंट चाहिए तो मैं प्राइमरी कॉइल को यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे सेकेंडरी कॉइल का भी करंट मिल जाएगा। और अगर इन केस हमें ये नहीं पता कि हमारी एसी सोर्स कितनी जो है वो कितना सोर्स या जो एसी सोर्स हमने यहाँ लगाया वो कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसे भी हम लोग इसी क्वेश्चन को मालूम इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। मतलब ये हो सकता है कि कोई दो पैरामीटर्स ना दिए हों या कोई एक पैरामीटर्स जो है मिसिंग हो, तो उसके तौर पर अगर हम लोगों को ट्रांसफार्मर की पावर, उसके करंट, उसके वोल्टेज के बारे में मालूम करना हो, इवन उसके नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में भी मालूम करना हो, तो हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को इस्तेमाल करके, ये क्वेश्चन भी है और इससे पहले हम लोगों ने वोल्टेज की इक्वेशन निकाल ली थी, ये वाली इससे भी पहले वाली जो हमारी इक्वेशन थी, हाँ ये वाली ये इक्वेशन ही है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हुए जो है ट्रांसफार्मर की पूरी करंट, वोल्टेज, पावर और सब चीज़ों के बारे में मालूम कर सकते हैं। इसकी एक एनिमेशन मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन एनिमेशन से पहले हम लोग एक चीज़ के बारे में देख लेते हैं कि हमने कहा कि हमारा जो प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है वो किसके बराबर है। हमारे पास प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल है, ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई। सिमिलरली अभी मैंने बात की कि अगर प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज और सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज की रेशियो ले ली जाए तो ये बराबर आती है सेकेंडरी कॉइल के करंट डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल के करंट के इक्वल। अब देखा जाए तो इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या मैं राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकती हूँ, बेशक मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे एन पी डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा और यहाँ पर आई एस डिवाइडेड बाई आई पी आ जाएगा। तो ये भी चीज़ हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में हमें मालूम है तो अगर हमें वोल्टेज ना भी पता हो कि प्राइमरी का वोल्टेज क्या है और सेकेंडरी का वोल्टेज क्या है तब भी हम लोग करंट के बारे में बता सकते हैं। और फिर अगर हम लोगों को वोल्टेज गिवन हो और पावर को मालूम करना हो तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा के पावर के बारे में भी बता सकते हैं। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज आपस में इंटरलिंक है कि एक पैरामीटर ना मालूम हो तो हम दूसरे पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके सबके सब पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी होती है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इसकी जो एफिशिएंसी है उसे हम लोग इस तरीके से निकालते हैं कि जो हमारे पास आउटपुट पावर होती है उसे हम लोग इनपुट पावर से डिवाइड कर देते हैं और इसे हम लोग क्या कर देते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आउटपुट पावर हमें मिली होगी, आउटपुट पावर हमें मालूम है कि सेकेंडरी की वो पावर होगी, जाहिर सी बात है प्राइमरी में तो सोर्स लगा हुआ है और इससे सोर्स कन्वर्ट होता है म्यूचुअल इंडक्शन होती हुई सेकेंडरी कॉइल के थ्रू जो है हमें पावर रिसीव हो जाती है जिस भी डिवाइस को हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के थ्रू पावर देनी है। तो अगर हमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में मालूम करना हो
तो सिंपली हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास जो है पावर सेकेंडरी कॉइल के से डिवाइड कर देना चाहिए, पावर प्राइमरी कॉइल की इनटू 100 कर देना चाहिए। अगर पावर के बारे में नहीं भी पता तो हमें ये तो पता है कि उसका वोल्टेज कितना है। वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, इसके साथ जितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, जितना करंट इंड्यूस हुआ है उसे डिवाइड कर देते हैं प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल के करंट के साथ। तो ये चीज़ भी हमें जो है एफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है कि आपके जो ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, आए कि वो एक अच्छा ट्रांसफार्मर है या वो एक लो क्वालिटी ट्रांसफार्मर है। इसकी कुछ जो है ना मेथड्स भी होते हैं कि इसकी एफिशिएंसी को हम लोग इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग एक ट्रांसफार्मर बनाया लेकिन इसकी एफिशिएंसी थोड़ी लो थी, अब हमें उसे थोड़ा बेटर करना है कि उसकी ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो बेटर हो जाए। तो उसे हम लोग किस तरीके से करेंगे, हमें मालूम है कि हमारा सॉफ्ट आयरन का कोर है, इस कोर के अंदर क्या होती है लैमिनेटेड शीट होती है। इस तरीके से भी मैं आपको एनिमेशन में दिखाऊंगी तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि जो शीट होती है ना इसके अंदर ये लैमिनेटेड होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये उस मटीरियल की, और ये लैमिनेटेड शीट होती हैं और ये हम लोग उस मटीरियल के इस्तेमाल करते हैं जिसका हिस्टेरेसिस लूप एरिया जो है बहुत कम होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि जिस चीज़ का हिस्टेरेसिस लूप का एरिया बहुत कम होगा उसके अंदर एनर्जी डिसिपेशन और लॉसेस वगैरह बहुत कम होते हैं, तो हम लोग उस मटेरियल को प्रेफर करते हैं जहाँ पर हम लोगों को एनर्जी वोल्टेज या करंट वगैरह ट्रांसफ़र कराना हो। इसके अलावा ये जो हमारे पास लेमिनेटेड शीट होती है इनके दरमियान हम लोगों ने इंसुलेशन की होती है, उस इंसुलेशन को बहुत ज़्यादा परफेक्टली करना चाहिए, यानी कि कोई भी इंसुलेशन रह नहीं जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा परफेक्टली उसे करना चाहिए ताकि हम लोग जो है एडी करंट को स्टॉप कर सकें। एक चीज़ हमारे पास होती है एडी करंट, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि एडी करंट क्या होता है। एडी करंट को ताकि स्टॉप किया जा सके, जैसे ही एडी करंट स्टॉप हो जाता है तो हमारे पास जो है वो उस चीज़ से हमें मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम एनर्जी जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लॉसेस या करंट लॉसेस वगैरह कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ हमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के रेजिस्टेंस को बहुत कम रखना चाहिए ताकि जो करंट की रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा करंट और वोल्टेज जो है फ्लो कर सकेंगे। और इन दोनों कॉइल को हम लोगों ने इस तरीके से इतने फासले पर रखा होता है ताकि इनमें जो फ्लक्स की लिंकेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एफ.एस.सी प्रोड्यूस हो सके। अब एडी करंट के बारे में देख लेते हैं कि एडी करंट क्या है। एडी करंट जो है बेसिकली हमारे पास सर्कुलर करंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एडी करंट है, ये हमारे पास सर्कुलर करंट होता है। सर्कुलर करंट किसे कहते हैं, इसे कहते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टर है, जैसे कि आपने देखा था कि कंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने अगर सोलेनाइड कॉइल को इस तरीके से लपेट दिया हो तो हम लोग कहते हैं कि अब हम लोग करंट की इंडक्शन देखेंगे सोलेनाइड कॉइल के अंदर से। यहाँ पर अगर हम एक सोलेनाइड कॉइल की बात करें तो यहाँ पर जैसे हम इसे बैटरी के साथ कनेक्टेड कर देते हैं तो इस सोलेनाइड के अंदर जो है करंट की इंडक्शन हो रही है। करंट जो पास करते हैं जब भी किसी ऐसे कंडक्टर के अंदर जिसके ऊपर क्या होता है कि कॉपर की वायरिंग जो है वो इस तरीके से हुई हो कि वो सर्कुलर फॉर्म में हुई हो, लग से कि ये हमारे पास जो इंडक्टर है इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, तो ये हमारे पास इंडक्टर होता है जिसके ऊपर कॉपर की रेजिस्टिव वायर लिपटी हुई होती है इस तरीके से, और यहाँ पर दो टर्मिनल के थ्रू हम लोगों ने इसे क्या किया होता है, यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी होती है उस बैटरी के साथ हमने दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा तो सोलेनाइड कॉइल हो या इंडक्टर हो, तो जैसे ही कोई ऐसे मटेरियल जो कि किसी कंडक्टर के ऊपर सर्कुलर फॉर्म में कोई भी वायरिंग हुई हो तो उसमें से जब करंट फ्लो करता है तो इन द फॉर्म ऑफ लूप फ्लो करता है, तो ये जो लूप में करंट फ्लो करता है इसे बेसिकली हम लोग एडी करंट कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक कंडक्टर है जिसके ऊपर सोलेनाइड कॉइल को इस तरीके से लपेटा हुआ है, ये हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर हम लोगों ने सोलेनाइड को लपेट दिया और दोनों टर्मिनल्स को हम लोगों ने क्या किया इसी सॉर्ट के साथ कनेक्टेड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक मेटालिक डिस्क इसके ऊपर लाते हैं, जैसे ही आप मेटालिक डिस्क इसके ऊपर लाएंगे तो ये फ्लाई कर जाएगी। अब ये फ्लाई करती क्यों है, इसकी रीज़न हमें हमारे पास जो सोलेनाइड कॉइल होती है जैसे ही उसको सर्किट के साथ कनेक्टेड कर दिया जाए उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा हो तो उसकी साइड पे चूँकि करंट फ्लो करने की वजह से अब वो सोलेनाइड जो है ये हमारे पास जो सॉफ्ट आयरन है बेसिकली इसके ऊपर हम लोगों ने सोलेनाइड को लपेटा हुआ है, तो ये जो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है ये हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर करंट की चेंजिंग की वजह से अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बन जाता है तो इसमें करंट तब्दील हो रहा होता है, तो करंट की तब्दीली इसमें क्या कर देती है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर देती है। अब जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है तो क्या होता है कि ये क्यों फ्लाई करती है, ये फ्लाई इस वजह से कर जाती थी कि हमारे इस सर्किट जो ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है इसके ऊपर यहाँ पर जो पोलैरिटी होती है सिंपल ही पोलैरिटी इस डिस्क का लोअर पार्ट अटेन कर लेता है जैसे ही इसके ऊपर आता है,
तो जो है सिमिलरली पोलैरिटी की वजह से जो है क्या होता है कि यहाँ पर भी सेम पोलैरिटी और यहाँ पर भी सेम पोलैरिटी है। और आपको मालूम है कि फॉर एग्जांपल फर्ज करिए कि यहाँ पे भी नॉर्थ बन गया, यहाँ पर भी नॉर्थ बन गया, हो सकता है यहाँ पे साउथ बन जाता और यहाँ पर भी साउथ बन जाता, यानी कि इस वाले हिस्से पे नॉर्थ की जगह साउथ होता और यहाँ पर भी साउथ होता, तब भी रिपेल हो जाना था। और अब यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे भी नॉर्थ है, तब ये रिपेल हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि सिमिलर पोलैरिटी हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती है, तो इस वजह से ये चीज़ जो है रिपेल कर जाती है। इससे ये हो क्या रहा होता था, क्योंकि इस हमारी सोलेनाइट के अंदर से करंट पास कर रहा है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है, ये पूरा का पूरा आयरन का सिलेंडर, जिसको आयरन का सिलेंडर है और उसके ऊपर सोलेनाइट लिपटी है, तो सोलेनाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुकी है। अब क्या होता है कि इसके अंदर जैसे ही करंट की इंडक्शन होती है, तो ये करंट जो है इस सोलेनाइट के अंदर इस तरीके से इस तरह सर्कुलर लूप में प्रोड्यूस हो रहा था, जिसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ट्रांसफार्मर में हम लोग एडी करंट को स्टॉप करने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है उसकी लेमिनेटेड शीट जो है वो भी सर्कुलर फॉर्म के अंदर होती है। यहाँ पे जो है लेमिनेटेड शीट, इनके अंदर में इंसुलेशन को काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट करना चाहिए ताकि यहाँ पे जो है हमारे पास एडी करंट कम से कम हो। ये हमारे पास डिफरेंट अप्लाइसेंस हैं, जो है हमारे पास लैपटॉप आ जाता है, इसमें हमारे पास हम लोग ने बात की थी चार्जर आ जाता है, मोबाइल फ़ोन का जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर आ जाते हैं। इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होने वाले जो ये हमारे पास हैं डिफरेंट ट्रांसफार्मर हैं वो इस तरीके के होते हैं, मतलब छोटे छोटे शेप में होते हैं। जैसे अभी हमने बात की, जैसे ये हमारे पास मोबाइल का जो ट्रांसफार्मर है वो इस शेप का है, लैपटॉप में जो ट्रांसफार्मर यूज़ होगा वो इस शेप का, डिजिटल कैमरा में इस शेप का यूज़ होगा। तो ये हर चीज़ के हिसाब से जो है हम लोग ने ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया होता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ये एक जो सिलेंडर है, ये आयरन का एक सिलेंडर है, ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर होता है जो रेक्टेंगल शेप का बना हुआ होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि इसके अंदर लैमिनेटेड शीट होती है जो कि इंसुलेशन से, जिनके दरमियान इंसुलेशन हुई होती है। ये हमारे पास लैमिनेटेड शीट है जिनके दरमियान हमारे पास यहाँ पर इंसुलेशन हुई हुई है। और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी कॉयल आ जाती है और यहाँ पर सेकेंडरी कॉयल आ जाती है। प्राइमरी कॉयल जो है सेकेंडरी कॉयल से ज़रा ज़्यादा थिक होती है।